अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सूफियाना अमल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन्नात को जलाने के लिए, जिन्नात को भगाने के लिए, जिन्नात से छुटकारा पाने के लिए एक बेहतरीन, कामयाब, खास, पावरफुल, मुजर्रब तावीज़ के बारे में। बहुत ही प्यारा खूबसूरत वीडियो है। आपसे गुजारिश करते हैं वीडियो को दिल से लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबा करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद वाला आइकन घंटे का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारे इंसानों पर जो है जिन्नात मुसल्लत हो जाते हैं, उनके कारोबार पर बंदिश लगा देते हैं, मियाँ बीवी के अंदर हमेशा झगड़ा होता रहता है, घर में सुकून नहीं मिलता है, परेशानियां आती रहती हैं। बहुत शरीर जिन्नात ऐसे होते हैं कि इलाज कराने के बावजूद भी जो है वो जाने का नाम नहीं लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जिन्नातों को जलाने के लिए, भगाने के लिए बेहतरीन तावीज़ आज हम पेश कर रहे हैं। चलिए बहरहाल सबसे पहले ये तावीज़ लिखने का पूरा तरीका हम आपको बताते हैं, उसके बाद फिर किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है वो तरीका आपको बताने वाले। किसी भी दिन किसी भी टाइम पाकी की हालत में ये तावीज़ आपको लिखना है बावजू होने के बाद में। नौखाने आपको इस तरीके से बना लेने, यहाँ पर आपको 786 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको या जिब्राइल या इसराफील या मिकाइल या इजराइल, तीन नक्श आपको एक साथ लिखने हैं। एक नक्श के ऊपर या जिब्राइल या इसराफील या इजराइल या मिकाइल आपको नहीं लिखना है, बाकी दो नक्श पर आपको लिखना है। उसके बाद में यहां पर आपको 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1169, 1170, 1171, इस तरीके से तावीज आपको लिख देना है। उसके बाद में मरीज को आप अपने पास से बिठा लीजिएगा, एक लोहे का बर्तन आपको अपने पास रख लेना, उसके अंदर हरमल जो पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाएगी वो हरमल उसके अंदर डाल देनी है, और ये तावीज जिसके ऊपर आपने या जिब्राइल या इसराफील या मिकाइल या इजराइल आपको ने नहीं लिखा था वो तावीज लेना है, मरीज की बॉडी पर आपको रगड़ना है और वो हरमल के अंदर तावीज आपको डाल देना है, डाल करके जो है आपको जला देने का। अल्लाह ने चाहा तो जिन्नात जो है उसी तावीज के साथ जो है हरमल के अंदर जो है जल जाएगा या भाग जाएगा। उसके बाद में दो तावीज बचेंगे, एक तावीज पानी की बोतल में डालकर 11 दिन तक पीने के लिए आपको मरीज को देना है, दूसरा तावीज मरीज के गले में जो है आपको डाल देने का है। जब मरीज को शिफा मिल जाए तो जिब्राइल, इसराफील, मिकाइल, अज़राइल अलैहिस्सलाम, इन तीनों फरिश्तों के नाम से जो आपको फातिहा दिला देनी है। अल्लाह ने चाहा तो मुकम्मल शिफा मिल जाएगी। बेहतरीन, कामयाब, खास, पावरफुल, मुजर्रब तावीज़ है, जरूर आजमाएं, फायदा उठाएं। हमारा काम था वीडियो आप तक पहुंचाना। आपसे गुजारिश करते हैं वीडियो को दिल से लाइक करके आगे जरूर शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग फायदा हासिल कर सकें। हम दुआ करते हैं कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।